राजस्थान में करौली की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि जोधपुर में फिर से सुलग गई। करौली में रामनवमी के दौरान जुलूस निकाले जाने पर पथराव हुआ, हिंसा की घटनाएं सामने आई और फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया, जिसके कारण राजस्थान सरकार को कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। करौली में अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन इस बीच ईद के पहले ही राजस्थान के जोधपुर में फिर से बवाल मच गया। भगवा झंडा को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद पत्थरबाजी की गई, गाड़ियां फूकी गई और फिर से राजस्थान जलने लगा। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में जालौरी गेट चौराहे पर ईद से एक रात पहले झंडा व लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान वीडियो बनाते एक शख्स को कुछ युवकों ने पीट दिया। कुछ लोग बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा गया। इसके बाद दूसरे गुट ने सामने वाले गुट पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जालौरी गेट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। ईद से एक रात पहले वहां ईद का झंडा लगाया गया, मगर हिंदू संगठनों ने कहा कि वहां परशुराम जयंती के मौके पर निकाली गई जुलूस के बाद भगवा झंडा लगाया गया था, जिसे मुस्लिमों ने उतार कर ईद का झंडा लगा दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने इस्लाम के झंडे और लाउड स्पीकर को हटाकर फिर से वहां भगवा झंडा लगा दिया, लेकिन आज सुबह जब मुस्लिमों ने इसे देखा तो आग बबूला हो गए। वहां भीड़ जुटने लगी, मुस्लिमों ने हंगामा खड़ा कर दिया, पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया, भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उपद्रवियों ने 20 से ज़्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की। जालौरी गेट के नज़दीक स्थित सूर सागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी हंगामा किया गया। यहां दंगाइयों ने एक बाइक भी फूंक दी। इसके बाद जिला प्रशासन ने जोधपुर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। रात को दोनों पक्षों के बीच काफ़ी देर तक पत्थरबाजी और हंगामा चलता रहा। पुलिस ने एक बार तो खदेड़ कर और समझा कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने पूरे चौराहे की बैरिकेडिंग की। इस दौरान एक पक्ष जालौरी गेट के पास एकत्र था, जो दूसरा पक्ष ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास अपने क्षेत्र में चला गया। थोड़ी देर बाद दो नेता जालौरी गेट आए और पुलिस से बात की, फिर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद ऑक्सफोर्ड स्कूल की रूट से हुजूम आया और तेज़ी से पथराव कर दिया। इसे देखकर जालौरी गेट की ओर से दूसरे पक्ष ने भी जवाबी पत्थर फेंके। पुलिस ने स्थिति बिगड़ती देखकर ऑक्सफोर्ड स्कूल की ओर आंसू गैस के गोले छोड़े। अब भगवा और इस्लामी झंडे के बीच का टकराव राजस्थान की सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने सीएम गहलोत के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर मुस्लिमों ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस बीच भाजपा विधायक के घर के सामने हंगामा को लेकर राजस्थान की सरकार भी घिरी हुई है और कांग्रेस पर भी मुस्लिमों का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।